This hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here we are going to take today's the Hindu news analysis, and it is 22nd of August 2020 Saturday here. Okay, so let's take today the Hindu news analysis. The first news is incidents in Srisailam. 9 killed in Srisailam, powerhouse unit got fire. Okay, 9 people killed, whereas 8 others managed to escape through the tunnel. मतलब 9 लोग मारे गए और जो 8 दूसरे लोग थे वो लोग टनल से निकल कर भागने में सक्सेसफुल रहे. ठीक है, 9 people including 5 engineers, जिसमें से 5 engineers थे वो मारे गए. एक यूनिट है जो कि हाइडल स्टेशन है, स्टेट रन हाइडल स्टेशन, वहाँ पे श्रीशैलम में ये प्रोजेक्ट चल रहा था और वहाँ पे अचानक से आग लग गई. तेलंगाना साइड जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसके पास में जो है कृष्णा रिवर के पास में है ये पावर यूनिट, और यहाँ पे आग लग जाने से 9 लोगों की डेथ हो गई है ना. और उन 9 लोगों की बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और 150 मेगावाट यूनिट के करीब जो है पैनल बोर्ड है यहाँ पे, और उसमें अचानक से आग लग गई सुबह 10:30 बजे. ओके, तो ग्रेजुअली एनगल्फ द एंटायर एरिया, 17 इंजीनियर्स एंड टेक्निकल स्टाफ ऑन ड्यूटी मेड फ्रेंटिक फ्रंट एफर्ट्स टिल मिडनाइट टू कंट्रोल द फायर. काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी एफर्ट्स के बाद स्टाफ व अदर कंट्रोलिंग एरिया जो थे उन्होंने मिल करके और इस फायर को कंट्रोल में लेकर आए. 8 ऑफ दैम हु वर इन द अपर लो फ्लोर मैनेज टू एस्केप थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल. एक अंडरग्राउंड टनल था जिसके थ्रू 8 लोग जो है जो कि अपर फ्लोर पे थे वो निकलने में भागने में सक्सेसफुल रहे. इसके अलावा 9 लोग जो कि ग्राउंड वर्क कर रहे थे और जिस एरिया में आग लगी उसी एरिया में वर्क कर रहे थे वो जो है अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवा बैठे. तो समवेयर वी कैन से कि इट वाज अ वेरी डिजास्टर्स और आई कैन से वेरी हॉरिबल इंसिडेंट्स. एंड तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव एक्सप्रेस शॉक एंड ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, और क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID, उनसे जांच की जो है दरख्वास्त की है उन्होंने. इट्स हेड गोविंद सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं वो है गोविंद सिंह, जिन्हें अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में. ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते ही विल बी कैरिड आउट ऑल द ऑपरेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट. द नेक्स्ट न्यूज इज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट्स स्टेटमेंट्स बेसिकली. एंड द स्टेटमेंट इज स्टॉपिंग रिलीजियस एक्टिविटीज अलोन इज स्ट्रेंज सेज टॉप कोर्ट. टॉप कोर्ट ने कहा है कि हम सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, चाहे कोई भी एक्टिविटी है, इवन सभी जगह पे गैदरिंग्स भी हो रही है, लोग एकत्रित भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद में भी हम बात करें कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जो है कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, रिलीजियस एक्टिविटी को रोकना अपने आप में जो है सही नहीं है. इट्स नॉट यू नो गुड टू गो थ्रू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जहाँ पे हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रिलीजियस एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दिया है हमने. इट अलाउज 3 जैन टेम्पल्स, मुंबई के 3 जैन टेम्पल्स जो है वो 2 दिन तक खुले रहेंगे, लेकिन उन वहाँ पे जो है COVID-19 सेफ गार्ड्स के थ्रू ये जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ कंडक्ट होगी. ठीक है, इट वॉज स्ट्रेंज दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर ओपनिंग अप एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट. वो सारी एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो कंडक्ट की जा रही है, लेकिन COVID-19 पेंडेमिक से रिलेटेड जो रिलेट करते हुए जो रिलीजियस सेंटर्स हैं उनको ओपन नहीं किया जा रहा है. तो ये बड़ा ही स्ट्रेंज वाली बात है, या हम कह सकते हैं बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सभी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लेकिन एक एक्टिविटी को स्टॉप कर रखा है हमने, है ना. एंड 3 जज बेंच जो है वो बैठी थी, जस्टिस
चीफ जस्टिस शरद ए बोर्डे की अध्यक्षता में, और सेड दिस वाइल अलाउिंग अ प्ली बाय श्री पर्श्वातिलक श्वेतांबर मूर्ति पूजक या ओके जैन ट्रस्ट के जो श्वेतांबर जो हैं जो कि मूर्ति पूजक हैं उनके उनसे वार्तालाप करके और उनसे सब कुछ होने के बाद में डिसाइड हुआ कि मंदिरों को इन तीन मंदिरों को जो है जैन टेंपल्स को नेक्स्ट थ्री डेज के टू डेज के लिए खोला जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो जैन टेंपल्स को ही खोलने का जो फैसला लिया गया है कि तीन जैन टेंपल ही खुलेंगे, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ये रिलीजियस गुरुज जो हैं जैनिज्म के उनसे बात होने के बाद ये फैसला लिया गया, और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि आने वाले नेक्स्ट जो टू डेज़ हैं 22 एंड 23 इनको पर्युषण जो होता है उनका वो वाला पर्व रहेगा, वो वाला फेस्टिवल रहेगा पर्युषण फेस्टिवल जैनिज्म का, उनको चलते उसको देखते हुए और जो है प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ के साथ में इसे स्टार्ट करने की बात की गई है। फॉर नेक्स्ट टू डेज द रिलीजियस एक्टिविटी विल बी कंटिन्यूड एंड दे विल ऑब्वियसली फॉलो द इम्पॉर्टेंट मेजर्स एंड सेफ गार्ड COVID-19 सेफ गार्ड सिक्योरिटी के साथ में ये सारी चीज़ें की जाएगी। ओके तो इट इज़ ऑल अबाउट इट। एंड हाँ, हालांकि किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट की बात सही भी है कि सारी चीज़ें एज इट इज़ कंटिन्यू हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तो हमने सिर्फ उसी को स्टॉप कर रखा है, रिलीजियस एक्टिविटी को ही रोक रखा है, इसके अलावा सब कुछ कंटिन्यू है। सो उसी को लेकर यहाँ पे बात की गई है, उसी को लेकर यहाँ डिस्कशन किया गया, और धर्म गुरुओं से डिस्कशन के बाद में फाइनली इवन जैन गुरु से डिस्कशन के बाद में फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिया है कि हम लोग जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ को ही स्टॉप कर रखा है हमने, इसके अलावा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है जो खुद के हित के लिए है जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपने वो सारी एक्टिविटीज़ को ओपन कर रखा है, तो उसको देखते हुए नेक्स्ट 22nd और 23rd टू डेज़ के लिए पर्युषण फेस्टिवल के तहत जो है जैन टेम्पल्स को खोला जाएगा। ठीक है, थ्री जैन टेम्पल्स विल बी ओपन एंड वॉट बेसिकली कहाँ कहाँ है ये थ्री जैन टेम्पल्स इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ओके नहीं, इसका स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, ये जैन टेम्पल्स मुंबई के अंदर हैं तो मुंबई के तहत ये जैन टेम्पल को खोला जाएगा, हालांकि जो है गणेश चतुर्थी को देखते हुए भी ये बात की जा रही है कि गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं खोला गया है टेम्पल को। तो मैं आपको बता दूँ टुडे इज़ गणेश चतुर्थी एंड आज भी जो है ये एक्टिविटीज़ जो कि सारी गणपति जी से रिलेटेड चलती है वो सब चलेगी। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड ओके तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आयुष ट्रेनिंग इन हिंदी इग्नोर्स TN ग्रुप, तमिलनाडु ग्रुप को जो है इग्नोर किया गया है, ये कहना है मिनिस्टर का, कौन है मिनिस्टर, वैद्य राजेश कोटेचा, इनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेज नॉन हिंदी स्पीकर्स कुड लीव। आयुष ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके तहत हिंदी में ट्रेनिंग दी जाएगी, यदि कोई भी इंडिविजुअल चाहता है कि हिंदी में ट्रेनिंग ना ले वो, जिनको हिंदी नहीं आती या नॉन हिंदी बैकग्राउंड से है तो वो ट्रेनिंग को लीव कर सकते हैं, दे कुड क्विट बेसिकली, ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का। ओके, बेसिकली डेलीगेट्स फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग अ ग्रुप ऑफ 37 गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम तमिलनाडु, 37 गवर्नमेंट योगा और नेचुरोपैथी जो प्रैक्टिशनर्स हैं तमिलनाडु से, उनको उन डेलीगेट्स को नॉन हिंदी, जिनको बेसिकली तमिलनाडु के जो रीजन के जो लोग हैं दे डोंट नो दैट हाउ टू स्पीक एंड यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी, द रीज़न बिहाइंड दिस दे जस्ट बिलीव इन देयर नेटिव लैंग्वेज। ओके, तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो है इस हफ्ते के शुरुआत में एक ये जो नेचुरोपैथी और जो योगा के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं
जो कि कंडक्ट किए जा रहे हैं मास लेवल पे, तो उनको जो उनकी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, तो इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बेसिकली इस ट्रेनिंग के तहत जो है लैंग्वेज जो सेलेक्ट की गई है दैट इज़ हिंदी। तो तमिलनाडु ग्रुप का ये कहना है कि हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का मतलब है तमिलनाडु ग्रुप जो हम लोगों का है 37 गवर्नमेंट योगा और नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स का, तो हमारे ग्रुप को क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, मतलब हमें जो है ध्यान में नहीं रखा गया बिकॉज वी डोंट नो हिंदी। ओके, दे आर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू शेयर देयर कंसर्न ओवर द लॉस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली उन्होंने रिपीट किया कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं जो है लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ में, तो उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया इस चीज़ के लिए। फर्दर व्हेन एड्रेसिंग द पार्टिसिपेंट्स ऑन थर्सडे, जब वो थर्सडे को पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस कर रहे थे लास्ट डे जो था ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयुष मंत्रालय द्वारा, वैद्य राकेश कोटेचा ने ये बात कैमरा के सामने कही कि उन्हें जो है हिंदी, दे स्पीक ओनली इन हिंदी एज ही वॉज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड पार्टिसिपेंट्स हु वॉन्टेड इंग्लिश कुड लीव ही एडेड। उन्होंने ये बात भी कही, जो लोग जो हैं हु वॉन्टेड इंग्लिश, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए, और मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो जो हिंदी में कर सकता है ये चीज़, हिंदी में जिसे हिंदी आती है वो इस पूरे कैंप को अटेंड कर सकता है, अदरवाइज़ जिन लोगों को जिन प्रैक्टिशनर्स को हिंदी नहीं आती है और सिर्फ इंग्लिश आती है दे कुड लीव, वो जा सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ जो है यहाँ पे कही गई है, बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेजेस एंड इट इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर रीज़न एंड इट इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर सेक्शन। बेसिकली तमिलनाडु ग्रुप जो कि हिंदी से सदर्न स्टेट्स जो है हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो अपनी लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी ज़रूर देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैम दे डोंट वॉन्ट टू लर्न हिंदी बिकॉज दे डोंट वॉन्ट हिंदी टू बी द यू नो नेशनल लैंग्वेज और आई कैन से द लैंग्वेज विच विल बी लाइक द हाइएस्ट प्रायोरिटाइज लैंग्वेज। दे जस्ट वॉन्ट देयर रीजनल लैंग्वेज टू बी कंडक्टेड एवरीवेयर एंड फॉर दैट दे सेड दैट दे आर नॉट बाउंडेड टू स्पीक इन इंग्लिश सॉरी हिंदी एंड दे कैन स्पीक इन इंग्लिश फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज़ और एनी इम्पॉर्टेंट पर्पज, बट हेयर इफ़ वी विल टॉक अबाउट द हिंदी दैट दे सेट दैन दे सेट दैट वी आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट इट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू लर्न इट। सो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अबाउट नोइंग ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स गवर्नमेंट हैज़ कंडक्टेड, आयुष मंत्रालय हैज़ कंडक्टेड अ पर्टिकुलर सेशन ऑफ योगा एंड प्रैक्टिशनर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इन आउट ऑफ विच 37 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर फ्रॉम तमिलनाडु एंड बिहाइंड दैट दे जस्ट इफ दे वर आस्ड अबाउट दी लैंग्वेज एंड दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेशंस दैन दे रिक्वायर्ड और दे सेट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड हाउ वी विल गो थ्रू इट दैन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मंत्रालय सेट एंड दे सेट दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट इट इन डिफरेंट लैंग्वेज सो यू कैन लीव इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक और नो द हिंदी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी यू कैन लीव यू कुड लीव बिकॉज समवेयर वी आर नॉट गोइंग टू अरेंज द सेशंस अकॉर्डिंग टू different reasons. Okay, so it is all about it and Ayush training was somewhere we can say the it could be the issue of language and let's see what is going to be the next and what will the ministries respond towards it and what will be the response of Rajesh Kotecha's statements at all. Okay, the next is from editorial analysis, Sri Lanka should not undo democratic gains or roll back devolution in the constitution. Sri Lanka के अंदर constitutional reforms की बात कही जा रही है, constitution को restore करने की बात कही जा रही है, constitution को फिर से बनाया जाएगा, फिर से launch किया जाएगा कुछ amendments के साथ में, तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। democratic गेंस के लिए श्रीलंका को जो है कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये इस आर्टिकल का बेसिकली मोटो है। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट, द टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ इन द लेजिस्लेचर
is indeed a mandate for constitutional change, but the winner ought to decide whether the proposed change would bring about reform or impairment, whether it would strengthen democratic institutions or weaken them. In his first address to the newly elected parliament, Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa, basically Rajapaksa we can say, and has predictably declared the intention to repeal the landmark 19th amendment in the constitution. Constitution mein landmark changes karne ke saath hi 19th constitutional amendment kiya jayega. Therefore, to work towards a new constitution, is 19th amendment ke tahat wo work karenge ek naye constitution par. Okay. और टू थर्ड मेजॉरिटी जो है लेजिस्लेचर की, टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को अलाउ कर दिया गया है. एंड दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू डू द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क अमेंडमेंट, दैट इज़ 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बाय दिस दे आर गोइंग टू फॉर्म द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. द पार्टी ही बिलोंग्स टू द SLPP हैज़ जस्ट गार्नर्ड अ हिस्टोरिक टू थर्ड मेजॉरिटी along with its allies in the parliamentary polls, unprecedented in an election based on proportional representative. Few would doubt that the party led by the president's elder brother and prime minister Mahindra Rajapaksa has the requisite mandate to overhaul the constitutional electoral process. Basically dekhiye, constitution ko reform karna अपने आप में बहुत ही बड़ा डिसीज़न है, और राजपक्षा द्वारा किसी रनिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी द्वारा इस तरह की कोई स्टेटमेंट देना और इस तरह का अमेंडमेंट करना इट मीन्स समवेयर द पार्टी इज़ गोइंग टू सेटल देयर ओन chair or settle their own dignity. I mean the party is going to make the comfort zone for themselves. वो इस तरह का अब ये doubt, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है basically कि ये जो party है ये अपने इस तरह का arrangement करेगी कि आने वाले time में electoral process के अंदर changes लाए जाएंगे और constitutional procedure में, मतलब election और president prime minister की जो post होती है, मतलब हमारे यहाँ जो होती है even जो leaders की post होती है, उन पोस्ट को कहीं ना कहीं जो है छेड़खानी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द अबॉलिशन ऑफ द 19th अमेंडमेंट वॉज इन डी द पार्टीज पोल मेजर पोल प्लैंक. हाउएवर डज इट इन नेसेसरी मीन्स दैट द ग्रेन्स ऑफ द 19th अमेंडमेंट शुड बी थ्रोन आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल. The legislation that introduced it was also based on a popular mandate for change in the 2015 presidential election and received more than the required two-third support of the or in the previous parliament. It not only curbed the executive president's vast power by restoring a two-term limits and making it difficult for the legislature to be resolved at the president's whim, but also sought to protect the independence of oversight institutions. So it would be a traversy of democratic principles if the principles or independence of institutions such as the election commission is now curbed in the name of undoing the 19th amendment. After all, it is all now recognized that the largely peaceful and orderly polling was only because of EC's autonomy. देखिए समवेयर मैं आपसे अगर एक बात कहूँ कि मैं जो है या हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं या प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है दैट वी आर गोइंग टू रीस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत बड़ा डिसीज़न होता है ये, उनके द्वारा ये डिसीज़न दिया जाएगा तो मैक्सिमम लेवल ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनका ये स्टेटमेंट आएगा कि ये जो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद की पोस्ट को स्टेबल करने के लिए.
अच्छा, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ श्रीलंका के लीडर द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया, अच्छा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिस्टोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस कंडीशन में रूलिंग पार्टी क्या करेगी, खुद को किस तरीके से स्टेबल बनाना है, खुद के अंदर खुद के थ्रू क्या क्या चेंजेस लाने, खुद की पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसी के मुताबिक अमेंडमेंट्स करेगी, है ना। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि जो राजपक्षा है उनके द्वारा इस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे, इस तरह के अमेंडमेंट किए जाएंगे जो अपने आप में उस पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने में, इस लीडर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओवरऑल इस पूरे जो आर्टिकल है उसका वही चीज़ें हैं, और रिफॉर्म की भी बात की जा रही है, रिपील की बात की जा रही है। देखिए आगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में और जो स्टेटमेंट्स जो कि राजपक्षा के थ्रू आएंगे उन स्टेटमेंट्स के बाद पता चलेगा कि होना क्या है, बट स्टिल अभी तक हमने जितना देखा है और जितना पता लगा है, जितनी बात हम कर सकते हैं उसके मुताबिक ये जो पूरा जो फंक्शन चल रहा है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग और उनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू मेक देयर ओन चेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज लास्ट लैप, बिडेन एंड हैरिस हैव टू शोन दे कैन लिफ्ट द US आउट ऑफ द वायरस इंक्लूडेड क्राइसिस। हैरिस जो है अभी रिसेंटली जिन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दी गई, नहीं जिन्हें जो है अभी रिसेंटली सीट प्रोवाइड करवाई गई है वहाँ पे, और वाइस प्रेसिडेंट है जो बिडेन, तो इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम जो है जो डेवलपमेंट चेंजेस है, या हम कह सकते हैं कि क्राइसिस जो है वायरस से रिलेटेड, उनसे ओवरकम करने के लिए हम सारे वो सारे अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं जो उन्हें लगाने चाहिए। बिडेन और हैरिस दे डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू US टेक आउट ऑफ ऑल दीज मैटर्स, एंड हम बहुत मेजॉरिटी के साथ या मेजर चेंजेस के साथ में जो है इस तरह के स्टेप्स ओवरकम करने वाले हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, फॉर्मर US वाइस प्रेजिडेंट जो बिडेन हैज़ बिकम द डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफिशियल नॉमिनी फॉर द 2020। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऑफिशियल नॉमिनी हैं जो बिडेन। हमें पता है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिडेन को लेकर के काफ़ी US में चर्चा पे है वो, और जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के नेक्स्ट जो बंदे हैं जो कि प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो उनको लेकर के उनका एक 4-day एक्स्ट्रावेंजा जो है at the Democratic National Convention, and along his running mate Kamala Harris जो कि हमने पहले भी बात की थी, उनके through जो है ये सारी चीज़ें हो रही है, दोनों मिल करके वाइट हाउस के अंदर जो है उसको हम कह सकते हैं सिचुएशंस को बेसिकली ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह की सिचुएशंस COVID-19 को लेकर चल रही क्राइसिस जो चल रहे हैं, उन क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, अब जल्दी ही जो है वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनने के लिए जो बिडेन जो है आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए उनकी स्ट्रैटेजीज वैसी होंगी जो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनने से प्रेसिडेंट बनने में हेल्प करे। सो समवेयर ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है कि वो दोनों मिल करके क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उन्होंने लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे उन्होंने क्या क्या प्लानिंग्स कर रखी है, और ऐसे क्या स्टेप्स उठाएंगे जो उम्मीद है कि उनके आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है पॉलिटिकल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा, और पॉलिटिकल तौर पे अगर मैं बात करूँ तो उनको लीडर बनाने में हेल्प करेगा, है ना। तो इसी को लेकर के इन्होंने अपने पूरे तरीके से अपने आप को जो है जो हम कह सकते हैं कि वाइड लेवल पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और अपने आप को शो करना शुरू कर दिया है कि वो वर्क कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इलेक्शंस पे भी देखने को मिलेगा, बिकॉज समवेयर US की जो जनता है वो अपने लीडर को ऐसा चाहती है जो उनके लिए काम करे। इवन हर कंट्री की हर एरिया की जनता यही चाहती है कि उनके लिए उनका लीडर उस तरीके से वर्क करे जैसे वो चाहते हैं। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले जो है जो बिडेन के द्वारा कमला हैरिस जो है कैमला हैरिस के सपोर्ट के साथ में ये सारी जो हम कह सकते हैं कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें अपने आप को सीट पे मेंटेन करने के लिए की जा रही है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसी पर बेस्ड थी, ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है। आप खुद से जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ रही, दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एट ऑल। बस ये क्योंकि आपको नॉलेज में होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही है और कैसे चल रही हैं, एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है आगे जा कर के US की गवर्नमेंट की, है ना, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसी पर बेस्ड था ये पूरा आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 एंड द लॉकडाउन। लॉकडाउन और COVID-19 के जो अलग अलग जो इम्पैक्ट देखने को मिले हैं उसकी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। द रिजल्टेंट डिस्ट्रेस इन द इंडिया हैज़ एग्जरबेटेड या एग्जेसरबेटेड सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके या प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एडवांटेज बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी। ओके इन हिज बुक द ग्रेट जस्ट अ मिनट वॉल्टर, इट इज़ अबाउट वॉल्टर द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन आर्ग्यूज दैट थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री देयर हैव बीन फोर टाइप्स ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स दैट हैव लेड टू ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वालिटी। पेंडेमिक, वॉर, रिवोल्यूशन, स्टेट कोलैप्स, करंटली द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू वन ऑफ दैम, मैसिव COVID-19 पेंडेमिक। एंड इन देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हम डिस्कस कर लेते हैं, इन शीडल्स एनालिसिस द डिक्लाइन इज और डिक्लाइन इन इनइक्वालिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस मोर्टैलिटी दैट रेज द प्राइस ऑफ लेबर। अगर आप इक्वालिटी पे ले आते हैं तो मतलब मोर्टैलिटी, ये एक कॉमन प्रोसीजर है कि अगर सभी लोग इक्वल हो जाएंगे तो लेबर वर्क जो है या लेबर से रिलेटेड जो हम कह सकते हैं कि मोर्टैलिटी नज़र आने की वजह से लेबर जो है हमारी वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगी, है ना, तो उनकी प्राइजेज राइज हो जाएंगे। एंड जो कि ऑब्वियसली देखिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं इस पेंडेमिक के थ्रू। ये पूरा आर्टिकल जो है ये पेंडेमिक इफ़ेक्ट या इस लॉकडाउन के चलते COVID-19 के जो इफ़ेक्ट हैं या लॉकडाउन के जो इफ़ेक्ट हैं जो हमें सोसाइटी पर देखने को मिल रहे हैं, लोगों पर देखने को मिल रहे हैं, वर्कर्स पर देखने को मिले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इंडिया के अंदर जो शटडाउन हुआ है और जो एजुकेशन फैक्टर जो पर बेस्ड सारी चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज होना, शटडाउन होना, शटडाउन से होने वाला इम्पैक्ट माइग्रेंट्स के लिए ले लीजिए, वर्कर्स के लिए ले लीजिए, सभी के लिए, है ना, तो उन सभी के लिए इम्पैक्ट जो उनको जो नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला है या इसका जो इफ़ेक्ट हुआ है उनकी लाइफ पे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हॉरेबल हो जाता है ना। और एजुकेशन फैक्टर की अगर बात की जाए तो वो तो काफ़ी हद तक जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। देखिए बात यह है कि COVID-19 और लॉकडाउन का इम्पैक्ट यदि सभी पे एक जैसा होता तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें सभी पे अलग अलग नज़र आया। COVID-19 का इम्पैक्ट लेबर पे अलग था, सेल्फ जो हम कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो लोग एम्प्लॉयड सैलराइड क्लास कैटेगरी है उनके लिए अलग था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल अलग था। और वहीं अगर हम बात करें कि हायर ऑफिशियल्स के लिए, उनके लिए बिल्कुल अलग था। कुछ एरियाज जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड थे उनके लिए तो बिल्कुल ही अलग था। तो ये जो पूरी सिचुएशंस की हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा जो डेटा मैनेज कर रहे हैं हम यहाँ पे, पूरी चीज़ें जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सारी बेस्ड है COVID-19 लॉकडाउन और उससे होने वाले इम्पैक्ट की, है ना। उसका जो इम्पैक्ट जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से पड़ा, उस इम्पैक्ट के कारण हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, क्या इश्यूज़ क्रिएट हुए, ये सारी चीज़ें जो है हमने इस आर्टिकल में पढ़नी है। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे यू विल गेट इट दैट क्या क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़े हैं, सोसाइटी के ऊपर पड़े हैं, क्या क्या चीज़ें जो है COVID-19 और लॉकडाउन के चलते देखी गई हैं, क्या क्या एग्जांपल्स देखे गए हैं, जैसे कि कास्ट को ले लीजिए, कास्ट का एक बहुत बड़ा इशू था, लेबर एंड ऑल वाला एक बहुत माइग्रेंट्स वाला बहुत बड़ा इशू देखने को मिला। वहीं अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लाइक इफ़ वी विल टॉक अबाउट द जियो और रिलायंस और समवेयर वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेस्ड कंपनीज, तो उनके ऊपर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला, उनकी सेल्स काफ़ी हद तक बढ़ी। वहीं फूड आइटम्स जो है उनकी
उन इंडस्ट्रीज़ की सेल्स काफ़ी हद तक बढ़ी, तो उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, काफ़ी उनको जो है इस चीज़ से सफ़र नहीं करना पड़ा। यही अगर हम बात करें उन वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की जो इन सेगमेंट से हट कर वर्क कर रहे थे, लाइक माइग्रेंट्स और जो कि वर्क कर रहे थे लेबर के तौर पर इधर उधर, तो उनके लिए ये चीज़ें एक बहुत ही नेगेटिव रोल क्रिएट कर गई। तो ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल पर बेस्ड हैं। इस आर्टिकल में आप सारी चीज़ें जो एजुकेशन पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है ग्लोबल लेवल पे, जो एजुकेशन इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है वो हमें जो है यहाँ आर्टिकल में पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इश्यूज़ हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ में इंडियन शटडाउन को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है कि पेंडेमिक और लॉकडाउन के चलते क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिले। अब मैं एक एक लाइन इसकी इसलिए आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि हम ऑलरेडी इस टॉपिक पर कि COVID-19 और लॉकडाउन के क्या इम्पैक्ट या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं, हम करीब करीब 15 से 20 बार इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। COVID-19 से लगा करके, आने से लगा करके, पेंडेमिक के थ्रू, जो लॉकडाउन के थ्रू, सॉरी, जो भी चेंजेस आए हैं उसके तहत पूरे लॉकडाउन पीरियड में जो है हमने ये आर्टिकल ही पढ़े हैं कि पोस्ट पेंडेमिक और जो है ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है क्या इम्पैक्ट्स, क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं, आगे क्या देखने को मिलेंगे, क्या चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, उसका क्या इम्पैक्ट है। यही सारी चीज़ें हमने करीब 15 से 20 बार आर्टिकल्स में रीड किया है और उसके अलावा भी डिस्कशंस लिए हैं, है ना। सो आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़िए और आपको उस चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है। वैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि किन किन चीज़ों पर इस लॉकडाउन और COVID-19 का प्रभाव देखने को मिला है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि COVID-19 का प्रभाव जो है किन किन चीज़ों को पर जो पड़ा है, उन सारी चीज़ों के थ्रू क्या क्या सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और उसको लिखना कैसे, जब आपके मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि किन चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ा है, नेगेटिव किस पे, पॉजिटिव किस पे, और अलग अलग तरह का जो इम्पैक्ट देखने को मिला है COVID-19 और लॉकडाउन के चलते वो क्या इम्पैक्ट है, तो जब ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी, ये सब चीज़ें समझनी होगी, तो उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू दी पर्टिकुलर आर्टिकल। आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे और उसके नोट्स बना के ईजिली अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो इट मीन्स आपको एग्ज़ाम में मेंस रिलेटेड जो टर्म्स है उसके अंदर कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है। इस तरीके से हमने आज के सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। कोई भी इशू होता है, कोई भी टॉपिक है, अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई डाउट है या कुछ भी है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट योर आंसर। एंड मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं न्यूज़, जो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं ध्यान दे रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, एग्ज़ाम्स आर नॉट दैट मच अवे। आपको स्टडीज़ को कंटिन्यू करना होगा, आपको फोकस करना होगा। न्यूज़पेपर इम्प्रूवमेंट करता है, न्यूज़पेपर एनालिसिस इम्प्रूवमेंट करता है, और ये एनालिसिस हम उन लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि जिनको स्टफ़ चाहिए, जिनको ईजीली न्यूज़पेपर जल्दी से आधे घंटे में कम्प्लीट हो जाए ऐसा स्टफ़ चाहिए उसके बेसिस पे। और मैं आपको बता दूँ, सम क्वेरीज आर कमिंग दैट मैम वी वॉन्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ओके, दे बेसिकली द थिंग इज़ आई एम कवरिंग इन बायलिंगुअल, बट समवेयर इफ़ यू वॉन्ट प्योरली इंग्लिश एनालिसिस देन यू हैव टू वेट, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इन जस्ट फ्यू डेज एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट बाय नेक्स्ट वीक और समथिंग लाइक दैट, सो दैट इट विल बी ईजी टू गेट द न्यूज़ एनालिसिस। ओके, एंड स्पेशली द टारगेट ऑडियंस विल बी UPSC एंड other banking exams, because somewhere banking exams are carrying the tough difficult words in English language, so you should go for it and definitely just wait and watch, we are going to give you a lot. Bye bye, take care, have a great time, thanks for watching, keep learning, keep watching.